Friend, this is Shyam Sundar Sharma. Today I am going to explain the book Rainbow's first lesson, Water Summary. Water is elixir of life. Jal hai, wo jeevan ka amrit hai. Water separates the Libyan desert. Jal hai, वो अलग करता है लीबिया के डेजर्ट को अलग करता है फ्रॉम द वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट मिस्र देश में जो नील की घाटी है उससे अलग करता है. ऑन वन साइड एक तरफ देयर इज ओनली डेजर्ट सैंड एक तरफ केवल मात्र रेत है डेजर्ट रेगिस्तान है और देयर इज नो लाइफ और वहां कोई जीवन नहीं है. On the other side, दूसरी तरफ all the areas are full of life. और दूसरी तरफ का जो क्षेत्र है वहां जीवन परिपूर्ण रूप से भरा हुआ है. Green plants, हरे भरे पौधे must fertile land, बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि more population, बहुत ज्यादा जनसंख्या and vegetation or vanaspati. Water adds to the beauty of the countryside. Jal hai, wo jodta hai, sundarta ko jodta hai. Kiski sundarta ko? Countryside, dehat ki sundarta ko jodta hai. A little stream, a little pond and the rain-fed tanks in countryside look very beautiful. Ek chota sa jharna, ek chota sa talab और वर्षा से भरा हुआ जो वर्षा का जो टैंक है वर्षा के जल का जो टैंक है इन कंट्री साइड देहात में वो बहुत सुंदर नजर आता है. वन कैन एंजॉय लुकिंग अपॉन द सन कोई भी व्यक्ति देख सकता है आनंद ले सकता है सूरज निकलते हुए सूरज का राइजिंग एंड सेटिंग ओवर देम उगते हुए और छिपते हुए सूरज का उनमें आनंद ले सकता है. वाटर इन ए लैंडस्केप मे बी कंपेयर टू द आईज इन ए ह्यूमन फेस जो भू क्षेत्र है वहां पर जो जल है वो उसकी तुलना की जा सकती है एक मानव के चेहरे में जो जिस प्रकार से आंख होती है उस तरह से आनंद लिया जा सकता है उसकी तुलना की जा सकती है. द सक्सेसिव स्टेप जो लगातार जो सोपान है कदम है इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोशन मिट्टी के कटाव की प्रक्रिया में आर द फ्लो ऑफ वाटर मिट्टी का कटाव किन के कारण होता है जल के बहाव के कारण हैवी रेन तेज वर्षा के कारण स्लोप्स ऑफ द लैंड जमीन का ढलान पर होना एंड लो ऑफ वेजिटेशन और लैक ऑफ वेजिटेशन और वनस्पति का अभाव आवर प्रीशियस सॉइल हमारी जो कीमती जमीन है वो वॉश्ड अवे वो बह जाती है का मतलब वहां कीमती जो मिट्टी होती है वो बह जाती है एवरी ईयर हर वर्ष. सो द मेजर सजेस्टेड इस प्रकार से जो मेजर जो उपाय सुझाव दिए गए टू चेक सॉइल इरोशन मिट्टी के कटाव को रोकने के जो सुझाव दिए गए हैं आर ट्रेसिंग ऑफ लैंड वो जमीन के वो बताए गए हैं ट्रेसिंग ऑफ लैंड वो ट्रेसिंग ऑफ लैंड का मतलब है कि ढलानदार भूमि सीढ़ीनुमा खेती द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंद और बंदों का निर्माण करना टू चेक फ्लो ऑफ वाटर पानी के बहाव को रोकने के लिए प्रैक्टिस ऑफ कंटूर कल्टीवेशन जो संतूर कल्टीवेशन है उसको उसका अभ्यास और प्लांटिंग ऑफ वेजिटेशन और वनस्पति को उगाना. वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ पानी है वो जीवन का आधार है. इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ फॉर एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट ये एक बहुत ही अति आवश्यक भाग है प्रत्येक मानव प्रत्येक जानवर के लिए
प्रत्येक पौधे के लिए। वाटर इज नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, जल है वो अति आवश्यक है फॉर एनिमल लाइफ, जीव के जीवन के लिए। एंड मॉइस्चर इन द सॉइल फॉर द लाइफ, और जीवन में उसी प्रकार से मिट्टी में नमी होना भी अति आवश्यक है। एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, और पौधों की जो वृद्धि है, एंड ट्रीज और पेड़ पौधों की वृद्धि है वो भी उसी पर निर्भर करती है। नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट वाटर, बिना जल के कोई जीवन संभव नहीं है। इट इज ऑल्सो मस्ट फॉर एग्रीकल्चर, ये कृषि के लिए अति आवश्यक है। दस द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मानव के कल्याण के लिए। इस प्रकार से जो संरक्षण है और उपयोग है पानी का, वो ये मूलभूत बहुत ही महत्वपूर्ण है मानवीय कल्याण के लिए। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ज्यादातर भारतीय कृषि है वो निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल, वो ऋतु की जो वर्षा होती है उस पर निर्भर करती है। इन केस ऑफ फेल ऑफ रेनी सीजन, बहुत सारी वर्षा ऋतु फेल हो जाने पर, यानी जब वर्षा नहीं होती तब, मीन्स फेलियर ऑफ एग्रीकल्चर, वहां जाकर के कृषि असफल हो जाती है। इफ वाटर इज कंजर्व सेव, यदि पानी को बचा लिया जाता है, संरक्षित किया कर लिया जाता है, तो इट विल प्रूव वेरी वैल्यूएबल फॉर एरिगेशन एंड पावर प्रोडक्शन, तो यह बहुत ही कीमती और महत्वपूर्ण साबित होगी कृषि के लिए और बिजली के उत्पादन के लिए। कंजर्व वाटर विल हेल्प इन एरिगेशन, तो संरक्षित जल है वो मदद करेगा एरिगेशन सिंचाई में और इलेक्ट्रिसिटी बिजली के उत्पादन में। बाय वाटर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय वाटर विल ऑल्सो हेल्प इन एरिगेशन, जल के द्वारा उत्पादित की गई बिजली है वो भी एरिगेशन सिंचाई में बड़ी मदद करेगी। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज दस नेसेसरी फॉर आवर कंट्री, पानी का संरक्षण और उपयोग इस प्रकार से अति आवश्यक है हमारे जीवन, हमारे देश के लिए। वी शुड कलेक्ट, हमें कलेक्ट करना चाहिए, रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहिए एंड यूज, और इसका उपयोग करना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि रेन वाटर है इज 100% प्योर, क्योंकि रेन वाटर होता है वो 100% शुद्ध होता है। वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट मटेरियल इन टू वाटर सरफेस, हमें वाटर सरफेस में पानी के जलाशयों में हमें कूड़ा कचरा या कचरा वेस्ट मटेरियल है नहीं फेंकने चाहिए। द फार्मर शुड यूज मॉडर्न मेथड्स टू सेव वाटर, द फार्मर शुड यूज, जो किसान है उनको यूज करना चाहिए, आधुनिक तरीके यूज करने चाहिए पानी को बचाने के। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी का जो संरक्षण है इज नेसेसरी, बहुत ही अति आवश्यक है, टू कीप लाइफ गोइंग, कि जीवन को चलायमान रखने के लिए। ड्यूरिंग द पीरियड, इस अवधि में, व्हेन देयर इज वेरी लिटिल, जब बहुत कम हो, जब बहुत कम वर्षा हो, या नो रेनफॉल, या कोई वर्षा ही नहीं हो, वास्ट एरियाज ऑफ स्क्रब एंड डेजर्ट लैंड कैन बी टर्न इनटू फर्टाइल एरियाज, तो बहुत सारे जो बहुत सारी जो रेगिस्तान का क्षेत्र है, स्क्रब जहाँ झाड़ियां हैं, उस भूमि को हम एक उपजाऊ भूमि में बदल सकते हैं, इसकी सहायता से, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी के संरक्षण के द्वारा। विद प्रॉपर यूज ऑफ वाटर, पानी के उचित उपयोग के द्वारा। इन शॉर्ट लाइफ ऑन द अर्थ कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट वाटर। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, जीवन है जो पृथ्वी पर है उसको हम कल्पना नहीं कर सकते बिना जल के।
इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ पॉइट, और यह सभी के जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थैंक यू वेरी मच।